अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बजीद पैरट एपीसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब फिट फाट होंगे। मैं भी फिट फाट हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है समर सीज़न में बजीज की केयर, कि कैसे आप समर सीज़न में गर्मी की शिद्दत से अपने बजीज को बचा सकते हैं, और अगर आप ब्रीड लेना चाहें तो उस सूरत में, और अगर ब्रीड ना भी लेना चाहें तो दोनों सूरतों में आपके बेबी बजीज और बजीज की हेल्थ के लिए जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है वो कैसे आप मेनटेन रख सकते हैं अपने मास्टर के या कॉलोनी में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक करके हर चीज़ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे अपने मास्टर केज और कॉलोनी का एनवायरनमेंट मेंटेन रखा हुआ है, और इस वक्त ब्रीड भी ले रहा हूं अपने बजी से। आप देख सकते हैं मट्टियां लगी हुई हैं और हर मट्टी में माशाल्लाह से बेहतरीन ब्रीड चल रही है। तो चलिए, टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों के साथ एक एक करके हर चीज़ शेयर करता हूँ कि कैसे आप अपने बजीज को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे सकते हैं और गर्मी की शिद्दत से कैसे बचा सकते हैं समर सीज़न में। अगर आप ब्रीड लेना चाहें तो उसके लिए क्या क्या एहतियात करनी है आप लोगों ने, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हम कॉलोनी में इस वक्त रूम वाली कॉलोनी जो के बड़ी कॉलोनी है मेरी, इस वक्त इसमें ब्रीड चल रही है और मैंने ज़बरदस्त इन्वायरमेंट रखा हुआ है। माहौल बहुत ज़बरदस्त है ब्रीड का। ये चीज़ शेयर करता हूँ अभी आप लोगों से कि कैसे मैंने मेंटेन रखा हुआ है। फ्रेंड्स, मास्टर केज की वन बाई वन समर सीजन केयर पे डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहला अमल जो करना है, अगर आपने ब्रीड लेनी है तो मट्टियों के ढक्कन उठा देने हैं। ये देख सकते हैं आप, सारी मट्टियों के ढक्कन उठाए हुए हैं मैंने, चेक कर सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त ब्रीड चल रही है इस वक्त भी। इस मट्टी में चार अंडे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट मट्टी दिखाता हूँ मैं नज़दीक है मट्टियाँ, जो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट सी वीडियो बने। ये देख सकते हैं हम, माशाल्लाह से चार चिक्स पड़े हुए हैं इस मट्टी में भी, और ढक्कन उठाए हुए हैं। फ्रेंड्स, ढक्कन उठाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी मट्टी में से हवा की क्रॉसिंग अच्छी बनी रहती है, जिससे मट्टी ठंडी रहती है। और अगर अंडे दिए हुए मादा ने, तो मादा अंडों पे बैठी हुई है तो हवा की क्रॉसिंग से मट्टी ठंडी रहती है और मादा के दम घुटने का खर्चा नहीं रहता है। आपने नोटिस में ली होगी ये बात कि अगर गर्मियों में आप ब्रीड लेते हैं तो मादा बार बार मट्टी के मुंह पे आके बैठ जाती है, जो कि गर्मी की वजह से ये अमल होता है। तो अगर आप ढक्कन उठा देंगे तो मट्टी का इन्वायरमेंट अच्छा बना रहेगा, हवा क्रॉस होती रहेगी, मट्टी ठंडी रहेगी और मादा अंडों पे स्टिल बैठी रहेगी, जिसकी वजह से अंडे ज़ाया नहीं होते और फर्टाइल अंडे होते हैं सारे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से ज़बरदस्त ब्रीड चल रही है इस वक्त। सात अंडे पड़े हुए हैं इस मट्टी में भी और ढक्कन सारी मट्टियों पे उठाए हुए हैं। इसके बाद दूसरा अमल जो फ्रेंड आपने करना है, आपने अपने मास्टर के या कॉलोनी का इन्वायरमेंट ज़बरदस्त रखना है। अगर आपने रूम में कॉलोनी स्टार्ट की हुई है और डोर ये लगा हुआ है आपके पास, तो गर्मियों में क्या करना है आपने कि डोर जाली का लगा देना है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये जाली वाला डोर मैं गर्मियों में रखता हूँ, दूसरा डोर खुला रखता हूँ ताकि हवा की क्रॉसिंग बनी रहे और कॉलोनी ठंडी रहे। और नंबर थ्री पे जो काम करना है आपने फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, अगर कॉलोनी से बाहर निकले तो ये बरामदा जो कि मैंने कवर किया हुआ है, बंद किया हुआ है प्लाइयाँ लगा के। ये प्लाइयाँ मुझे अपने एक दोस्त से मिली थी जो कि लकड़ी का काम करते हैं, और पुराने दरवाज़ों की प्लाइयाँ हैं ये, चेक कर सकते हैं आप। तो ये सारी अंदर वाली साइड पे लगाई हुई हैं मैंने, ताकि गर्म हवा अंदर क्रॉस ना हो। और ये सामने एयर कूलर लगाया हुआ है फ्रेंड्स। ये कूलर 24 आवर ऑन रहता है और रात को कूलिंग बंद कर देता हूँ, और बाहर का मौसम अच्छा होता है तो बाहर से हवा अंदर फेंकता है, ये ठंडी होती है हवा रात को। अगर रात को भी कूलिंग ऑन रखें तो अंदर सर्दी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चीक्स वगैरह भी का बीमार होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर आपने कूलर लगाना है तो रात को कूलिंग बंद कर देनी है, ताकि और कूलर की सेटिंग इस तरह करनी है। ये मैंने दोनों का, ये दोनों कॉलोनियों से बाहर रखा हुआ है कूलर को, ये देख सकते हैं आप, ये बाहर का माहौल है और कूलर बाहर पड़ा हुआ है। इस तरह कूलर की हीट बाहर रहती है और कूलिंग सिर्फ अंदर आती है। तो आपने रात को कूलर की कूलिंग
बंद कर देनी है, और दिन टाइम आपने जैसे सूरज निकले तो पानी डाल के इसको इसकी कूलिंग ऑन रखनी है सारा दिन, ताकि अंदर कूलिंग बनी रहे। फ्रेंड्स, ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये दोनों साइडों से ओपन हो जाती है और हवा की क्रॉसिंग होती है, जिसकी वजह से हमें तीन फायदे होते हैं। एक तो इधर से धूप आती है सुबह टाइम, जो कि कॉलोनी के अंदर जाती है, रूम वाली कॉलोनी के अंदर, और जो जो बर्ड्स धूप में बैठना चाहें वो धूप में बैठे होते हैं सुबह टाइम। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ऑक्सीजन वाली एयर बाहर से क्रॉस होती रहती है, इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल भी बना रहता है कॉलोनी में। उसके बाद इसका तीसरा फ़ायदा ये है, पूरे मास्टर केज का जो स्मेल वाला सिस्टम है वो ख़त्म करती है, स्मेल साथ साथ निकालती रहती है बाहर, स्मेल बिल्कुल नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सेटिंग बनाएं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप मेंटेन कर पाएँ अपने मास्टर केज के एनवायरनमेंट को, और हर तरह के मसले मसाइल उसमें क्लियर हो जाएं। ये देख सकते हैं आप, ये कूलर पड़ा हुआ है और बिल्कुल सामने रूम वाली कॉलोनी का डोर है, और इधर से हवा क्रॉस होती है। ये अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इस डोर से हवा इंटर होती है और सारी कॉलोनी में से घूमने के बाद ये वाली विंडो जो आप देख रहे हैं, ये डोर के बिल्कुल साथ है ये विंडो, तो इस विंडो को भी मैंने खोला हुआ है, तो इस विंडो से हवा अच्छे तरीके से क्रॉस होती है, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी ठंडी रहती है। अगर आप चेक करें तो मेरे किसी भी बजीज का मुंह नहीं खुला हुआ, हाँफ नहीं गए हैं, बजीज बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं, इतनी कूलिंग है अंदर के, माइंड फ्रेश करने वाली कूलिंग है ये। अगर आप नोटिस में लें ये बात, तो किसी भी बजीज को ये गर्मी फील नहीं हो रही है, बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं सारे। और इस वक्त तकरीबन 2:30 का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो सुबह सॉफ्ट फूड रखा हुआ था मैंने अपने बजीज को, राइस रखे हुए थे जो थे, अभी सीड मिक्स रखने आया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ कि किस तरह से इन्वायरमेंट रखें अगर आपने ब्रीड लेनी है अपने बजीज से। तो फ्रेंड्स, ये जो विंडो है इससे क्रॉस होती है वह, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप बजीज के इधर चिपके हुए विंडो के साथ, और इनके हिलने से आपको फील हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हवा क्रॉस हो रही है विंडो में से, और ये ठंडी हवा है तो एयर कूलर की, इस तरह से कॉलोनी ठंडी रहती है और पूरा मास्टर केज ठंडा रहता है, आपका पूरा माहौल जो भी दिया हुआ है बर्ड्स को आपने ठंडा रहता है वो। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया एयर सिस्टम के कैसे आप अपने मास्टर केज में ठंडी हवा की क्रॉसिंग रखें तो इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। इसके बाद आपने पीने वाले पानी का जो अमल करना है, अपने बर्ड्स को पीने वाला पानी जो प्रोवाइड करना है वो तीन टाइम चेंज करना है। अपने सुबह अगर सॉफ्ट फूड रखते हैं तो उस वक्त फ्रेश वाटर रखें, और बिल्कुल साफ बर्तन में रखें, कच्चे बर्तन में रखें। कच्चे बर्तन में पानी रखने का ये फ़ायदा होता है कि पानी ठंडा रहता है, और दोपहर टाइम जब सॉफ्ट फूड उठाएँ खा लें आपके बजीज सॉफ्ट फूड ख़त्म कर दें, तो उसके बाद सीड मिक्स जब रखें तो दोपहर को भी पानी चेंज कर दें अपने बजीज का, फ्रेश वाटर रखें दोपहर को भी, तो इस तरह से बजीज फ्रेश रहते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल रूटीन की बात है कि मैंने अपने कॉलोनी में नमक रखा हुआ है, और ये मिट्टी देख सकते हैं आप, ये भी बजीज खाते हैं, लाल मिट्टी रखी हुई है, ये अच्छी होती है बजीज के पेट के लिए, हाजमे के लिए, और नमक से कैल्शियम मिलता है आपके बजीज को। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं सीड मिक्स रखने आया था अपने बजीज को, राइस रखे थे सुबह, तो ये ख़त्म कर दिए हैं इन्होंने। ओके, तो फ्रेंड्स अभी जो नेक्स्ट आपने अमल करना है वो आपने अपने मास्टर केज में एक डिवाइस लगानी है, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपने जो एनवायरनमेंट दिया हुआ है अपने बजीज को
वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, सामने नज़र आ रही होगी आपको डिवाइस, और डिवाइस की वायर जो कि सेंसर वाली वायर बाहर निकली हुई है जो कि बाहर का इन्वायरमेंट दे रही है हमें। तो चले आपको दिखाता हूँ कि क्या इन्वायरमेंट है इस वक्त हमारी कॉलोनी का। ओके तो फ्रेंड्स, डिवाइस पे इस वक्त बाहर का टेम्परेचर 38.5 और मास्टर केज का टेम्परेचर 32.5 है और ह्यूमिडिटी लेवल 47 बना हुआ है जो कि समर सीज़न में एक बेस्ट इन्वायरमेंट है ब्रीडिंग के लिए भी और बजीज की हेल्थ के लिए भी। ये सेंसर वाली वायर बाहर जा रही है जो कि हमें बाहर का टेम्परेचर बताती है। फ्रेंड्स, इस वक्त समर सीज़न अपना फुल असर दिखा रहा होता है, फुल गर्मी होती है और मेरे मास्टर केज का इन्वायरमेंट इस वक्त कंट्रोल में है जो कि बजीज के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ओके तो फ्रेंड्स, आपको डिवाइस का रिजल्ट भी बता दिया है मैंने कि इस वक्त क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है और ह्यूमिडिटी का लेवल क्या चल रहा है मास्टर केज में। तो उसके बाद जो अमल आपने करना है अपने अपनी कॉलोनियों और केजेस की सफाई अच्छी तरह रखनी है, ये देख सकते हैं आप, डेली बेस पे सफाई करता हूँ मैं। आपको कोई भी फीडर्स, फ्लाइंग फीडर्स वगैरह या पार वगैरह जो झड़ते हैं बजीज के आपको कॉलोनी में किसी भी किस्म का गंद नहीं नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ है कॉलोनी का फर्श। तो सफाई रखने से ये फ़ायदा होता है कि फ्रेंड्स अंदर कूलिंग अच्छे से बनी रहती है, अगर गंद वगैरह हो कॉलोनियों में तो उससे ये कि हीट बनती है और कूलिंग अच्छी तरह से काम नहीं करती है। ये चेक कर सकते हैं आप बाहर का माहौल भी, पूरे मास्टर के जी इस तरह से मैंने सफाई रखी होती है कि कूलिंग अच्छी तरह से अपना काम करती रहे। तो नेक्स्ट अमल में फ्रेंड्स आपने लाइट्स का ख्याल रखना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट्स लगाई हुई हैं अपनी केज का कॉलोनी में, अगर आपने किसी ऐसी जगह पे कॉलोनी या केज रखा हुआ है या कॉलोनी बनाई हुई है कि जिधर सूरज की रोशनी कम मिलती है तो उधर आप डे टाइम में लाइट बिल्कुल कम लगाएं, बिल्कुल मुनासिब सी लाइट लगाएं, इतनी लाइट लगाएं कि गुजारा हो जाए, तेज़ लाइटें ना लगाएं जिसकी वजह से अंदर हीट ना बने। मैं ये लाइट सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए लगाता हूँ, बड़ी वाली लाइट, उसके फ़ौरन बाद मैंने इसको बंद कर देना है और ये सिंगल लाइट सिर्फ ऑन रहती है, थोड़ी बहुत रोशनी रहती है अंदर गुजारे लायक जिससे हीट नहीं बनती है और इन्वायरमेंट जो मैं चाहता हूँ वो बना रहता है, तो कोई भी चीज़ इसमें रुकावट नहीं बनती है। ओके तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि मैं करता हूँ और अपने मास्टर केज और कॉलोनी का इन्वायरमेंट इस तरह रखता हूँ कि मैं अपने बजीज से ब्रीड भी ले रहा हूँ और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड भी चल रही है और मेरे बजीज आप देखते हैं फ्रेश है बिल्कुल। ये इस वक्त भी मादा अपने बच्चों को फीड दे रही है। ओके तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों के लिए आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि इसी तरह मेरा और आपके साथ हमेशा बना रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।